एक लड़की के साथ जम्मू के लड़के ने ऐसा क्या किया, वो पूरी की पूरी बातचीत तो आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे, पर कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों की मदद जो है वो ये लेने जरूर आई हैं। इनके हाथ में टैटू है, ये उन्हीं का टैटू है जिस शख्स ने इनके साथ में गलत किया है। पहले अपनी शादी का वादा किया, शादी के वादा करने के बाद सब रिलेशन मेंटेन किए और उसके बाद में छोड़ दिया। लड़का मर्चेंट नेवी में जॉब करता है बताया ये जा रहा है, लड़के का नाम रोहित है बताया ये भी जा रहा है। अब पूरी के पूरी जानकारी क्या है ये भी आपको पूरा बताएंगे, पर सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय हम पकड़डंगा पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। SHO रघुबीर इस केस को देख रही हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने इनकी मदद भी की है, पर असल में पूरी बात क्या है वो सुनिए। आप मुंबई की रहने वाली हैं, पूरी बात क्या हुई है आप लोगों तक पहुंचाइए। ये बंदा मेरे साथ 2019 से रिलेशन में था, शादी का वादा करके मेरे लाइफ में आया था। मेरा फर्स्ट डिवोर्स हो चुका है 2018 में, जिससे मेरा अभी कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। ये बंदा मेरा सिर्फ पास्ट जान के मेरी लाइफ में शादी का वादा किया है कि सभी तुमसे बहुत प्यार करते, तुमसे शादी करना चाहते, इसके सारे प्रूफ है मेरे पास, हम अब जो ऑफिसर बन जाएंगे तुमसे शादी करेंगे। और जब शादी के लिए इसको बोले हैं तो बोला मेरी माँ नहीं मानेगी, बोले अपनी माँ से मेरी बात कराओ। तो उसकी माँ क्या बोलती है, रोहित तो लड़का है वो तो कुछ भी करेगा, तुम कैसे सोच रही तुमको एक्सेप्ट करेगा। बोले क्यों रोहित, तो मेरे रोहित को मेरा सारा पास्ट पता था, यहाँ तक कि मिसकरेज तक हम किए, मिसकरेज का भी प्रूफ है मेरे पास ना, वो लोगों को भी बताइए और इतना कुछ अभी। और आज के डेट में वो इंसान मेरे से कॉन्टेक्ट बंद किया हुआ है, जो पुलिस के सब मुंबई में किए हैं तो ये बोल रहा था कि हम आते हैं मुंबई फिर मैटर शॉर्ट आउट करते हैं, प्लीज तू शांत हो जा केस वापस ले ले, बट अभी केस हम वापस नहीं लिए हैं। और ये बंदा भी मेरे से 24 फरवरी के बाद मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, और इसका भाई मेरे साथ गाली गलौज कर रहा है और हमको धमकी दे रहा है जान से मारने की। क्या बोल रहा है परिवार उनका, क्या बोल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, जब उनको पता चला कि आप उनके मतलब फैमिली के एक अंश की मतलब माता बनने वाली हैं, तो फिर मिसकैरेज क्यों करवाया? रोहित तो क्या कहना था कि हमको अभी ऑफिसर बनना है तो तुमको कौन संभालेगा, तो प्लीज तुम अभी मिसकैरेज कर लो, बेबी प्लान हम लोग बाद में करेंगे, इसीलिए मिसकैरेज करवाया मेरे से। आप वो जो डॉक्यूमेंट था अगर आप जनता तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, देखिए किस तरीके से बात है कि यहाँ पर देखने वाली कि एक जम्मू का शख्स मुंबई में एक लड़की के साथ में रिलेशन में आता है। देखिए लिव इन रिलेशनशिप इस समय बहुत आम है, पर सबसे बड़ा सवाल या निशान ये है कि अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना भी ज़रूरी है, उसको इतनी इज्जत देना ज़रूरी है। आपके साथ ये रोहित जी साफ नीचे लिखा है अनमैरिड है इसलिए मिसकरेज कर रहे हैं अपनों। ये अगर आप यहाँ पे देखें कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं और उसके बाद में मिसकैरेज जो है वो किया जा रहा है क्योंकि वो अनमैरिड हैं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि आप मान गई कि एक बच्चे को, क्योंकि वो बोला कि अभी तुम्हें बाबू भी छोटा है तुम्हारा और हमको यहाँ रहना भी नहीं है, तो अभी कौन संभालेगा, तो हम लोग बेबी प्लान हम लोग बाद में करेंगे, तुम अभी ये लोग प्लीज मैसेज को छोड़ के कब यहाँ पर आ गए? ये हमको छोड़ के अभी गया है अक्टूबर में गया है और इसने इसका नवंबर से हम लोग का चला, दिसंबर में उसको कोर्ट मैरिज के लिए बोले हैं तो फिर अपनी औकात दिखाया है वो। क्या बोला? बोला कि तुम तो शादी नहीं कर सकते हैं। क्यों? बोले क्यों, इतने दिन रिलेशन में रहे हो, 2.5 साल रिलेशन में हो, अब शादी क्यों नहीं कर सकते हो, तो माँ नहीं मानेगी अब। तो उन्होंने बोले माँ से बात कराओ, तो उसकी माँ का अलग ही कहना है कि रोहित तो लड़का है वो तो कुछ भी करेगा। माँ का नाम निधि गुप्ता है और उसके पापा का नाम राकेश गुप्ता है, उसके बड़े भाई का नाम राहुल गुप्ता है, यहीं कच्ची छावनी का रहने वाला है लोग, मकान नंबर 19 है उन लोग का। यूज एंड थ्रो समझ लिया है क्या लड़कियों को, कि मतलब लड़कियों का जब मन किया इस्तेमाल किया और उसके बाद में बोला कि तुमसे शादी करेंगे और उसके बाद में उनको टाटा बाय बाय किया और निकल लिए। ये वही कर रहे हैं, इसलिए हम आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं मुंबई से जम्मू तक आए हैं कि हमको न्याय चाहिए। लड़कियाँ यूज एंड थ्रो नहीं होती ना खिलौना होती है कि जब तक मन करेगा तुम खेलोगे फिर छोड़ दोगे, हम आज न्याय के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। जब आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे क्या बोला था, सच में बोला था शादी करेंगे? नहीं, लिव इन में रहेंगे। हाँ जी, उसकी भी प्रूफ है मेरे पास, हम आपको वो भी दिखाते हैं। किसी को मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी को ये बोला जाए कि तुमसे शादी करेंगे और उसके बाद रिलेशनशिप मेंटेन किया जाए और फिर उस रिलेशनशिप को बरकरार ना रखा जाए तो वो कहीं ना कहीं रेप के ही दायरे में जो है वो जरूर आ जाता है। दो चैट का उसका अगर आप दिखाने की जो पहले बोले आप बोलते जाइएगा, हम पहले उसको बोले कि हमको कभी ट्रस्ट नहीं था कि मेरे को इतना प्यार कर सकता है, फिर सब कुछ किया है, प्रॉमिस किया है, उसके बाद ये शादी करके आपका भी उतना अधिकार है। हम बोले तुम्हारी शादी तो कहीं और है, फिर मेरे साथ क्यों, तो आपके साथ भी गलत होगा, शादी करके आपका भी उतना ही अधिकार है। तो मतलब आपके साथ में शादी करेंगे? हाँ, देख रहे हो आप लोग साथ हैं।
तो वो दूसरे के कहीं और भी शादी करना चाहता है। उसका क्या था कि माँ को पता चल जाएगा तो माँ के क्या नाम से उसे कर लेंगे, तेरे से कोर्ट मैरिज करेंगे, तेरे साथ रहेंगे, उसके बाद दुनिया करेंगे, हम उससे कर लेंगे हम। और आज हम बोले कि मेरे से कोर्ट मैरिज के लिए बोले तो शादी करो, तो वो नहीं कर सकते। एक साथ में दो शादियाँ कैसे हो सकती है? वो तो वही जाने दो शादी कैसे करने वाला था वो। अच्छा, वो इधर भी किसी के साथ रिलेशनशिप में था, आपके साथ भी रिलेशनशिप? नहीं, यहाँ पे उसकी फैमिली उसकी शादी कहीं और कराने की तैयार थी, क्योंकि वो लड़की डॉक्टर है, गरिमा गुप्ता नाम है लड़की का। तो उस लड़की को भी सारा सच हम बताएं कि तुम जिसके साथ करना चाह रही हो, वो लड़का मेरे साथ ऐसे ऐसे काम किया, उसको सारा प्रूफ दिए हैं, फिर भी वो लड़की उस लड़के का साथ दे रही है। अभी पुलिस यहाँ पर क्या सहयोग कर रही है आपका, और आपको पुलिस से या यहाँ के लोगों से क्या उम्मीद है? यहाँ के लोग से हेल्प के लिए आए कि यहाँ के लोग मेरी कुछ मेरी हेल्प करें। SHO अंकल मेरी बहुत हेल्प किए हैं, यहाँ तक उसके घर फोन ले गए हैं वो दो बार, बट उसकी माँ घर छोड़ के भागी हुई है, पता नहीं कहाँ है वो सामने नहीं आ रही है अभी। आज हम सही है तो आज हम मुंबई से जम्मू तक आए हुए हैं, बट उन लोग मेरा सामना नहीं कर रहे हैं, वो लोग हमेशा छुप रहे हैं मेरे से। लगता है इंसाफ मिल जाएगा, इसी के लिए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आप लोगों की हेल्प लिए कि हमको इंसाफ चाहिए। मेरे साथ गलत हुआ है, वो मेरे साथ गलत किया है, उसका इंसाफ चाहिए हमको, क्योंकि लड़कियाँ खिलौना नहीं है, उनका भी अपना जीवन होता है, उनकी लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। लड़कियाँ खिलौना नहीं है, लड़कियों की ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद किया नहीं जा सकता। अगर आप पहले ही ये बात क्लियर करें कि भैया सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में आ रहे हैं, बात खत्म, इसके बाद हमने शादी के लिए कोई बात नहीं करते, तो बात अलग थी कि इनका भी दिमाग क्लियर रहता, वो भी क्लियर रहते। बट कहीं ना कहीं आपने एक लालच दिया कि भैया एक समय पे आपसे शादी करेंगे जब हम अच्छे से पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। आज आप एक अच्छे से पोस्ट पे हैं, पर एक महिला को आपने इतना ज़्यादा परेशानी में डाल दिया कि अब वो मुंबई से भटकती भटकती यहाँ पर आ गई है। आपको ये भी बता दें कि इनके आपके परिवार में कोई नहीं है? मेरा कोई नहीं है, बस मेरा एक छोटा सा बेबी है 4 साल का, और मेरे मम्मी पापा का डेथ हो चुका है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। सिर्फ अपने बच्चे को यहाँ पर और खुद यहाँ पर आकर इंसाफ के लिए यहाँ पर आई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। माता पिता हैं नहीं हैं, सिर्फ एक ये उम्मीद थी कि यहाँ के लोग मदद करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ के लोग कितने मदद करेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ आपके हाथ में है, और कहीं ना कहीं पुलिस मदद इनकी कर ही रही है। अब पुलिस इनकी और मदद करे ताकि एटलीस्ट वो शख्स इनके सामने आ सके और ये बोले कि भैया क्या सही क्या गलत, एक लड़की के साथ में ऐसा करके आप खुद कहाँ चल दिए। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।